इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले से, जहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता, कुल मिलाकर भाजपा के पितामह कहे जाने वाले जयराम अग्निहोत्री के हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमलावरों में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। हमला करने वाले कैलाश विजयवर्गीय के सिमरिया दौरे के दौरान पूर्व विधायक को लड्डुओं से तौला था। इतना ही नहीं, मीडिया प्रभारी और विधायक केपी त्रिपाठी के चहेते और सीईओ कांड के आरोपी रहे विवेक गौतम का ड्राइवर भी हमलावरों में शामिल बताया जाता है। आपको बता दें कि विराट 24 ने पहले ही शंका व्यक्त की थी कि चुनाव में मिली हार से बौखलाए भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के चमचों के द्वारा हमला करवाया जा सकता है, क्योंकि सिमरिया में हार का ठीकरा जयराम अग्निहोत्री पर फोड़ा गया था। सूत्रों की माने तो वर्तमान विधायक अभय मिश्रा, जो 2008 में भाजपा से विधायक चुने गए थे, उन्हें विधायक बनाने में जयराम अग्निहोत्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद 2013 में नीलम मिश्रा को भी विधायक बनाने में जयराम अग्निहोत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयराम अग्निहोत्री, जब मैं कुछ नहीं जानता था, मैं जनपद अध्यक्ष था, तो वो वहाँ के मंडल अध्यक्ष थे। पहली बार मुझे विधायक बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिमरिया छोड़कर जब अभय मिश्रा रीवा से चुनाव लड़े तो भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी को 2018 में जयराम अग्निहोत्री ने विधायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें भी विधायक बनाया था। लेकिन 2023 के चुनाव में अभय मिश्रा कांग्रेस सिमरिया में वापसी की और भाजपा को हार मिली, जिसका ठीकरा भी जयराम अग्निहोत्री पर फोड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब सत्ताधारी और उप मुख्यमंत्री, जिनके चहेते पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी हैं, उनके गुर्गों के नाम एक बार फिर सामने आए, जिसको जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी रीवा के रिटायर्ड सेना के जवान ढेकहा में विराट 24 न्यूज बैन पर और फल व्यापारी सिरमौर सीओ कांड, उराहट शराब दुकान, आप नेता प्रमोद शर्मा होटल व्यापारी और भागीरथी शुक्ला और चुनाव के समय जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी और विराट 24 न्यूज के चैनल हेड रामानंद पांडे के ऊपर हमले याद ही होंगे, जिनमें पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के पालतू गुर्गों ने किया था। अब देखना यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम अग्निहोत्री के आरोपियों को बचाने के लिए पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और उनके गुरु राजेंद्र शुक्ला क्या जोर लगाते हैं। मामले का खुलासा होता है या दबाया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री के रीवा दौरे से पहले पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य साजिशकर्ताओं के नाम का भी खुलासा नहीं हो पाया है। कर पाती है या नहीं, स्थानीय और जयराम अग्निहोत्री के पारिवारिक सूत्रों की माने राजेंद्र शुक्ला की पुरानी वाली राजनीतिक चाल नहीं रही। अपराधियों को संरक्षण देकर विरोधियों को कुचलने की परिपाटी राजेंद्र शुक्ला ने डाल दी है और इसमें सहयोग लिया है केपी त्रिपाठी का। आपको याद होगा कि सिमरिया से अभय मिश्रा की जीत के बाद भी राजेंद्र शुक्ला ने केपी त्रिपाठी को क्षेत्र का विधायक बता रहे थे। इतना ही नहीं, खुलेआम मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ के अधिकारी केपी त्रिपाठी की ही बात मानेंगे। इस क्षेत्र का पूरा सब आप लोगों का कोई समस्या आप केपी जी को बताएंगे, ये हमको बताएंगे और ये अरे इनके फोन में कलेक्टर वलेक्टर उसके सब काम बताया। और देखा भी जाता है कि अब सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में वह पालतू गुंडे जो केपी त्रिपाठी के निर्देश पर बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, इन दिनों राजेंद्र शुक्ला को अपना गुरु मानते हैं। जगह जगह उनके बधाई पोस्टर देखे जा सकते हैं। हद तो यह है कि कई ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो गुरु चेले की जोड़ी ने कई अहम जिम्मेवारियां दी हैं, जिनमें कई यूट्यूब चैनल बनाकर भी अपने अपराधों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका भी खुलासा विराट 24 शीघ्र करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश के नवागत मुखिया जो पहली बार रीवा दौरे पर आ रहे हैं, वह इन अपराधियों को सीधे जनता और पदाधिकारी को सुरक्षा देने के लिए पुलिस अधिकारियों को कोई निर्देश देते हैं या जनता इसी तरह पिसती रहेगी। क्योंकि जिस तरह से जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमले के बाद ही
सेमरिया के वर्तमान विधायक अभय मिश्रा ने अपने जान को खतरा बताया था, उससे तो यही लगता है कि अब भी सेमरिया में पूर्व विधायक और उनके गुरु की सह पर आतंक जारी है। और उनकी सह का सबूत वह वीडियो है जिसमें वह कह रहे हैं कि सेमरिया के विधायक केपी है। मतलब उन्होंने हमें साफ बताया कि तुम्हारी हत्या कराए जाने का उन्होंने इशारा दिया। उनके बताने के बाद मैं स्पष्ट रूप से राजेंद्र शुक्ला जी पे आरोप लगा रहा हूँ कि ये हमारी हत्या कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि दर्जनों लोगों ने अपने ऊपर हमले होने की आशंका व्यक्त करते हुए शिकायत की है। तो क्या 5 साल सिमरिया में ऐसी ही घटनाएं होगी? क्या उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के संरक्षण में जो कई तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त पदाधिकारी थे अब अपने ही संगठन के लोगों पर हमला करेंगे? क्या यही विकास की बात कही जा रही है? फिलहाल बिहार 24 न्यूज आपसे अपील करता है कि अपराधियों से सुरक्षित रहें और निष्पक्ष क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहें, क्योंकि समाज से अपराधी और अपराधियों को संरक्षण देने वालों से लड़ने की जिम्मेवारी क्षेत्र के ही लोगों की है। जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमला हुआ था, उसमें बात आई थी कि पहले ही शंका व्यक्त की गई थी कि भाजपा के ही लोग हो सकते हैं चुनावी रंजिश। अभी कुछ और नाम आए, कुछ फोटो वायरल हो रही है, क्या मानते हैं किस तरह से सिमरिया में राजनीति चल रही है? भय अभी भी भय भ्रष्टाचार वाला जारी है क्या? राजेंद्र शुक्ला का भी क्या रोल है इसमें बताइए। ये देखिए, ये पिछले जो है मेरे 10-15 साल की राजनीति हो गई और सिमरिया विधानसभा से मैं आता हूँ। सिमरिया विधानसभा में 18 का प्रत्याशी भी रहा जब चुनाव लड़ा। तो यहाँ देख लीजिए कि वहां जब से अभी पिछले 5 सालों से जिस प्रकार का वहां पर मारपीट कांड हो रहा था, जिस प्रकार से मेरे साथ हुआ, सीओ कांड हुआ और फिर बाद में सुंदरिया कांड हुआ और भी कई लोगों के साथ हुआ, और विराट के जो है आपके चैनल पे तोड़फोड़ हुई जब आप खबर दिखा रहे थे हमारी सब सारी चीजों के, ये सब जो लगातार मारपीट हो रही तब भी नाम आ रहा था और नाम जो है वहां के बीजेपी के लोगों का ही आता था। और इसको जो है जानने के बावजूद भी कभी भी आज तक जो है राजेंद्र शुक्ला जी का आपने सवाल पूछा, राजेंद्र शुक्ला जी जो है इन सब के संरक्षक हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो अभी जो उनका जो जिस प्रकार से इन सारे कृत्यों में उनका नाम आ रहा है तो उनकी छवि जो है धीरे 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 इस टाइप की हो रही है कि उन्होंने इनको सब लोगों को पाल रखा है संरक्षक, क्योंकि उनको खुल के। और ये बड़ा मामला ऐसा है कि इनके बीजेपी का ही भाई पुराना कार्यकर्ता जो पिछले 15 सालों से सिमरिया के अंदर में जिन्होंने झंडा गाड़ने का शुरू से लेकर काम शुरू किया, उसके बाद जो कांग्रेस के में पहले रहने वाले केपी त्रिपाठी बीजेपी में आके शामिल हो जाते हैं और फिर टिकट लेकर विधायक बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिन्होंने अभी अपने गांव में बीजेपी को अपने बूथ पे जो सबसे मजबूत बूथ जो कह रहे थे जेपी नड्डा जी, वो काम करके दिखाया, उसके बावजूद भी उसके साथ में जो हमला हुआ और जो अभी भी फोटो जो आ रहा है, जो लोगों को जानकारी मिल रही है, तो ये सारे लोग वही लोग आ रहे हैं जो लोग सीओ कांड में भी शामिल थे। तो और ये सब लोग हैं, पुलिस की अभी पूरी हो रही है वार्ता, पर मैं निश्चित कहूंगा कि राजेंद्र शुक्ला जी जो है इसमें जो है उनका संरक्षण प्राप्त लोग हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इतने दिन तक बहुत दिन पहले ही मालूम चल गया कौन कहे, लेकिन इतना दबाव बनने के बाद जब यहां से भोपाल तक जब दबाव बना तब जाके यहां पर अभी कार्रवाई हो रही है। आप राजेंद्र शुक्ला जी को शायद इसलिए कह रहे होंगे, हम भी कह रहे हैं, खबर भी चला रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजेंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि यहां से विधायक केपी त्रिपाठी को ही माने, कलेक्टर एसपी इनके ही फोन पर बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह से छूट दी जाएगी तो जो अपराधी है तो उनका और हौसले बढ़ गए। बिल्कुल, और ये राजेंद्र शुक्ला जी ने जो है वहां के अभी वर्तमान विधायक जो हमारे साथ में रह के जो अभय मिश्रा जी ने जो चुनाव जीते उनके अधिकार का हनन करने की कोशिश की और लोगों में जो ये आपने भेजा, तो पुलिस प्रशासन ये सारे लोग समझ गए कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये केपी त्रिपाठी जो बोले, अब जब उनके लोग ही ये मारपीट में इन्वॉल्व बीजेपी के लोग हो रहे हैं तो जब हो रहा है तो एक आदमी को चुप कराकर इतना बड़ा मामला था, वरना ये समझिए दूसरे दिन पकड़े जाते। लेकिन इनको पता चल गया, हम लोगों को सबको खुलासा हो भी जाएगा कि इन्हीं के लोग हैं और यहाँ हैं। और राजेंद्र शुक्ला जी को भी मैं बता रहा हूं, मेरे विश्वास सूत्रों से मालूम चला है कि पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि कौन अपराधी है और किस जगह किन कौन लोग एम्बलॉन है, लेकिन उसमें नहीं करने के बाद जो है उन लोग को छोटे मोटे 2-4 लोगों को पकड़ लेंगे, बड़े लोगों के लिए जो है लेकिन खुलासा हो जाएगा। जो लोग अभी अंदर गए हैं वो निश्चित रूप बताएंगे। और राजेंद्र शुक्ला जी से मैं कहूंगा कि आप जो है अपनी स्वच्छता की राजनीति जो है विकास की राजनीति करते करते अब ये इस चरण में चल गए और सिमरिया में पूरी तरह से पिछले 5 सालों से अभी तक लगातार आतंक का जो माहौल बना है उसके संरक्षक राजेंद्र शुक्ला। 2013 में नीला मिश्रा को टिकट मिली थी, उन्होंने विधायक जीता, विधायक बनने के बाद वो अक्सर आरोप लगाती रही कि सिमरिया में विकास नहीं होने दिया जा रहा, उसके पीछे राजेंद्र शुक्ला जी का हाथ था, कई बार खुलकर लगाया विधानसभा में बोले। अब जब ये पंचवर्षीय में पुनः अभय मिश्रा विधायक बने तो क्या लगता है कि राजेंद्र शुक्ला वहां की विकास को किस तरह ले जाना चाहते हैं, कि विकास होगा तो किसको श्रेय जाएगा, ना हो और इस तरह की जो घटनाएं घटे तो उसको किस तरह से देखते हैं आप?
ये करने की कोशिश की गई है कि कुछ मारपीट अपने लोगों के साथ करा दिया जाए और अपने लोगों के साथ कार मारपीट हो जाए, वहां पर फिर से आतंक का माहौल है नया विधायक आने के बाद, ये बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से काम करने के लिए बोला उन्होंने, तो चाहते हैं कि काम नहीं करने पाए तो आगे चल के, जैसे पहले नीलम जी के टाइम पे मैंने देखा हुआ है कि बहुत नहीं कुछ नहीं वहां पर काम नहीं करने दिया। एक काम उनके टाइम पे हुआ पूर्व फॉल पे, जो अभ्यारण बनवाया जिसका उन्होंने विरोध किया था, आज वो विरोध अगर मान लिए होते ये लोग तो उस क्षेत्र के जो किसानों की जो खेती, मैं खुद 56 एकड़ काश्तकार हूं, मेरे को भी वहां पर पूरी खेती नष्ट है क्योंकि सिर्फ जो है गौशाला अपने ऐशगाह के लिए बनाया हुआ है, पूरे जानवर रोड पे हैं। तो वहां पर अभी भी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी वर्तमान विधायक जो हमारे मित्र अभय मिश्रा है वो जो है इस वक्त जो है ऐसे विधायक जिन्होंने सदन के अंदर में ये बोला है कि यहाँ के विकास पुरुष जिनको कहा जा रहा है वो जो है यहाँ पर जो है भूमाफिया के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि 2200 रुपए स्क्वायर फीट जमीन जो बेच रहे हैं एक्चुअली उनकी कीमत जो है 28,000 स्क्वायर फीट है, मतलब पर स्क्वायर फीट ये जो है 25,000 रुपए ले रहे हैं। और इस प्रकार से बता रहे खुला, तो वहां पर वो दमदारी के साथ में भाई जो है अभय मिश्रा जी जो विधायक हैं वहां पर काम कर ले जाएंगे। गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री की जिस तरह से नई प्रक्रिया शुरू हुई है वो स्ट्रिक्ट रूप आया, क्या देखते हैं कि उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री आज आ रहे हैं तो क्या उनका ध्यान आकर्षित होगा कुछ सिमरिया की तरफ? मैं आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि ये जो आपके उप मुख्यमंत्री महोदय हैं इनकी जांच कराएं आप, इनकी जांच बहुत जरूरी है। जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है इनके पास अगर ईडी की जांच इनकी हो जाए तो ये पता चल जाएगा इतना पैसा इन्होंने बनाया है। अब समझ लीजिए कि केवल 4 एकड़ में, तो समझ लीजिए कि आपको जो है एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है समदड़िया का, समदड़िया के अगर 4 एकड़ में आप समझ लें तो पर स्क्वायर फीट जो है अगर 25,000 रुपए का मुनाफा लिया गया जो कि रेट है सरकारी रेट से कम, माने 2200 रुपए स्क्वायर फीट दे दिया है और 28,000 रुपए स्क्वायर फीट बिकती है जमीन, तो उसके लिए अगर कर रहे हैं तो 25,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 4 एकड़ का लगाने पैसा, तो पहले एक नमूना ये है। ऐसे कई भूमि यहां पर ऐसे किए हुए हैं तो इनको करके इनको करोड़ों रुपए इन्होंने बनाए हुए हैं अपने पता नहीं किस किस के नाम से इनका टोपी घुमाने का काम है। और मैं तो ये कह रहा हूं जिस प्रकार सुन रहा हूं, एक बार अगर हो जाए इनके ऊपर कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं और उनका यहां पर आने पे हमारा बहुत बहुत स्वागत है, यहां के दामाद कहे जा रहे हैं कि दामाद है, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 15 साल का जो भ्रष्टाचार का रहा है आपको मुख्यमंत्री बनाया हुआ, उम्मीद करता हूं कि बड़ी कार्रवाई होगी और ये जो आतंक जो फैलाव सिमरिया में इस पर जरूर ध्यान दें, पुरानी फाइलों खुलवाएं।